आज देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है। आपको बताऊं, मेरा पोस्टल विभाग, क्योंकि संचार विभाग में देखता हूं, पूरे देश में लोगों को खाना पहुंचाना, दवा पहुंचाना, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने वो कार्यक्रम दिखाया कैसे एक रिटायर्ड आर्मी के पदाधिकारी को उत्तराखंड की पहाड़ों में उनका बेटा जो लाइफ सेविंग ड्रग भेजता था उसको हमारे पोस्टल ने पहुंचाया। ठीक है रविशंकर जी, अब आपके विभाग का मैंने अभी कुछ दिन पहले आपका एक ट्वीट देखा डाक विभाग को लेकर, आपने जो दवाओं के पार्सल को प्रथम प्राथमिकता देने की बात की है कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्राथमिकता होनी चाहिए तो किसी को दिक्कत ना हो, दवाओं के पार्सल में तेजी आए, उसके लिए अब आप और क्या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए, पहले आप एक बात समझिए, जो दैनिक उपयोग की दवाएं हो तो उपलब्ध हैं इसेंशियल सर्विस में, लाइफ सेविंग ड्रग। अब एक कैंसर के पेशेंट थे, उन्होंने अपनी चिंता बताई। अभी जो मैंने बताया, जिसमें फिर आपके चैनल ने बहुत बड़ा काम किया, ये जो पहाड़ में उनको एक लाइफ सेविंग ड्रग की जरूरत थी हृदय के लिए और किडनी के लिए, तो फिर मैंने विचार किया और फिर मैंने, क्योंकि हमारा पोस्टल नेटवर्क देशभर में है और अच्छा काम कर रहा है, भोजन पहुंचाना, बल्क दवाओं की कोरियर सेवाएं विमान की चल रही हैं, पैसेंजर सेवाएं बंद हैं, तो हमने कहा इसको देखो। तो जी उन्होंने काम किया तो हमारा तो डाकिया हर जगह है, तो हमने कहा कि अपने विभाग को निर्देश दिया कि डाकिया के साथ जहां जरूरत है वहां समन्वय करो, उनको क्या जरूरत है, कहां से दवा मंगानी है उनको, और फिर उसको कोऑर्डिनेट करके स्पीड पोस्ट से बिल्कुल दवा को पहुंचाने का काम करो। ये काम कई जगह हो रहा है और मैं बहुत इस बात के लिए अपने सारे डाकिया का और पोस्टल विभाग के कर्मचारी पदाधिकारियों का अभिनंदन करना चाहूँगा कि जहाँ उन्होंने खाना भी खिलाया, बल्क दवाएं भी पहुँचाई, अब जिनको इंडिविजुअल स्तर पर लाइफ सेविंग दवाओं की आवश्यकता है उसमें भी वो यथासंभव कोशिश कर रहे हैं। और इसको मैं स्वयं भी मॉनिटर करता हूँ, मेरा पूरा जो सिस्टम है केंद्रीय मंत्री का, वो उसमें कोई दिक्कत होती है तो मैं स्वयं उसमें इंटरफेयर करता हूं कि अधिक से अधिक दवा मिल पाए। देखिए यही तो मैं कहूंगा, ये कठिनाई भरा समय है, तो बाहर जो डिजिटल इंडिया के माध्यम से, आपको मैं एक और रोचक खबर बता दूं कि कल हमारे जो पोस्टल विभाग के हमारे कर्मचारी और डाकिया जो डिजिटल पेमेंट घरों में पहुंचाते हैं एक लिमिटेड ऑथेंटिकेशन करके, तो कल वो ट्रांजैक्शन हो गया 1,00,000 और 22.5 करोड़ रुपया हमारे पोस्टल विभाग के डाकिया कर्मचारियों ने गरीबों के बीच गांव में घरों पर पहुंचाया है। वो मोबाइल से जाते हैं उनको पे। तो रविशंकर जी एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई, आज की जो चर्चा हुई की कल्पना है। जी जी अपनी अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी बोले बोले। हाँ मैं, जो आज की चर्चा तो मैं बता हुई, रहा हूँ, डिजिटल इंडिया की कल्पना है कि बोलिए प्लीज प्लीज बोलिए। बस एक लाइन बोल दूं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से इस चुनौती भरे समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आम जीवन को कैसे सरल सुलभ करें, ये हमारी पूरी कोशिश।